नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि मंगल चेंज। 30/6/2023 को मंगल चेंज होने वाले हैं। देखिए, एक मंगल ही एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस गिने जाते हैं, जो पाप ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, जब वो राशि चेंज करके दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं, तो उनका जो राशि भ्रमण है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो खुद भूमि पुत्र है। ये जो पृथ्वी है उनके पुत्र माने जाते हैं। और जब भी मंगल चेंज होता है तो उनकी जो असर है वो अपने पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है। आप बहुत सारे आपने इंसिडेंट देखे होंगे, जब जब मंगल चेंज हुए हैं तो अर्थक्वेक आया है, सुनामी आए हैं, बहुत सारे जो भी डिजीज़ है वो भी मंगल से ही। बलवान ग्रह मंगल महाराज के बारे में, मंगल 30/6 को अपनी कर्क राशि नीच की राशि को छोड़ के यहाँ से अभी मंगल परिक्रमा करने वाले हैं खुद भाग्य स्थान के अंदर। और धनु राशि यदि मून साइन मैंने बताया, उसी ही राशि में सूर्य की राशि में चल रहे हैं। और मंगल जब भी सी राशि में आते हैं, मतलब जब उसका परिभ्रमण होता है वो राशि के अंदर, करीबन 1.5 महीना रहने वाले हैं, तो राशि में जो परिभ्रमण रहता है वो अति शक्ति, मतलब सी राशि में अति शक्ति बल रहता है। सी राशि सूर्य की राशि है और उसमें मंगल सबसे ज़्यादा पावरफुल गिना गया है। मेष का मंगल, वृश्चिक का मंगल, या फिर आपका ऊंच का 10 नंबर का, उससे तीनों को महत्व देने वाला मंगल है सिंह राशि का मंगल 5 नंबर का। इसलिए 5 नंबर सिंह राशि का मंगल यहाँ भाग्य स्थान में आया है। जितने भी बड़े बड़े रेसलर है, बॉडी बिल्डर है, जिम ट्रेनर्स है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो सभी का मंगल या मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या फिर सी राशि का होता है, या अपने एक लेवल तक जाते अगर दूसरी राशि का मंगल है तो। लेकिन जब ये 4 राशि में मंगल विराजमान हो जाते हैं तो वो उनकी जो नामना है, जो कीर्ति है, वो एक बड़े पैमाने पे आगे बढ़ती है, एक बड़ा उनको अचीवमेंट की तरफ लेके जाती है। जैसे यहाँ मंगल सी राशि का है तो द ग्रेट खली, जिसको रेस्लर बोलते हैं, बड़े खली, उनका मंगल सिंह राशि का है। मैंने बहुत से बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े जो फार्मिंग का काम करते हैं, उनका मंगल भी सिंह राशि का पाया हुआ है। जो बड़े कंस्ट्रक्शन लेवल पे बड़े लोढ़ा, जिसको बोलते हैं लोढ़ा बिल्डर, या DLF वाले जो भी है, ये सब का मंगल सिंह राशि का हमने पाया हुआ है। हीरानंदानी जो बड़े नामांकित बिल्डर है, उनका मंगल सी राशि का होता है। लोढ़ा का मतलब भी होता है जैसे लोहे जैसा मंगल, तो यहाँ मंगल सी राशि में भ्रमण करने वाला है भाग्य स्थान के अंदर। और ये अति उत्तम राजयोग बनेगा, क्योंकि ये मंगल आपकी कुंडली में पंचम हाउस का स्वामी है
और खुद आपके 12th हाउस को देखेगा जो उनकी खुद की राशि है, सी राशि। सी राशि से वो वृश्चिक राशि को देखेगा। 1, 2, 3, 4 इनकी जो चौथी नज़र है, मंगल की 3 दृष्टि आती है, 4th, 7th और 8th, यहाँ भी। तो चौथी नज़र से वो अपने खुद की राशि को देखेगा, तो ये हाउस को प्रोटेक्ट कर लेगा 12th हाउस। तो यहाँ सब अभी आपकी विजय होने वाली है, जितने भी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब जो आपके प्रॉब्लम है या फिर आपकी डिजीज़ के प्रॉब्लम है, हेल्थ की समस्या, वो सब यहाँ सॉल्व होगी। कोर्ट के प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। आपकी जो ज़मीन है या घर है, फ्लैट है, वो कोई भी प्रॉब्लम में है या उसका कोई समस्या आप देख रहे हो लंबे टाइम से, तो यहाँ उसका भी हल होता हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि अभी मंगल पहले नीच के थे, कर्क राशि के मंगल कोई काम के नहीं होते, वो नीच के हैं, नीच का मंगल कोई काम का नहीं होता है। लेकिन जब उससे आगे वाली राशि में, सी राशि में मंगल जाता है, तो वो अधिक बलवान बन जाता है और बलवान व्यक्ति हमेशा जीत के आता है। तो वैसे ही मंगल यहाँ खुद चौथी नज़र से 12th हाउस को देखेंगे, 12th हाउस को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद के खुद की राशि है। तो यहाँ शुभ असर होने वाली है। आपकी कुंडली के अंदर धनु राशि वाले हैं, खुद सप्तम नज़र से यहाँ शनि को देखेंगे और शनि ऑलरेडी वक्री है, तो मंगल की नज़र जब भी शनि के ऊपर गिरती है तो वक्री शनि है तो उनका हिसाब किताब यहाँ बढ़िया मिलता है। अगर यहाँ वक्री नहीं होते तो मंगल दब जाता, क्योंकि शनि की नज़र के सामने मंगल का भी नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। कभी भी मंगल सबसे, मंगल से भी भारी शनि है, मंगल तेज भागता है लेकिन शनि हिसाब किताब से चलता है, बहुत ही स्टेडी चलता है, धीमे धीमे चल के प्लानिंग करके आगे बढ़ता है। लेकिन मंगल के अंदर पेशेंस नहीं है, उसको धीमा चीज़ पसंद नहीं है, उसको फटाफट जल्दी करना है, बहुत जल्दी आगे निकल के कमा लेना है, पैसे बना लेना है, सब कुछ जीत लेना है दुनिया। यहाँ शनि रिट्रोगेट है, तो यहाँ मंगल की नज़र उनके ऊपर गिरते ही शनि का भी यहाँ शुभ फल मिलेगा आपको। इसलिए शनि यहाँ वक्री होते हुए भाग्य स्थान के ऊपर उनकी जो दृष्टि है, नज़र है, वो ख़त्म हो जाती है। भाग्य को और बढ़ावा मिलेगा मंगल की तरफ से। तो यहाँ धन के स्वामी भी शनि है, तो धन की मात्रा अभी बढ़ सकती है अपनी, क्योंकि वो पंचम हाउस के लॉर्ड्स हैं मंगल और धन स्थान के स्वामी है शनि। तो ये पंचम और धन स्थान का जब भी मिलाप होता है, एक दूसरे के एक्सपेक्ट में आते हैं, दृष्टि गोचर करते हैं, तो ये राजयोग का निर्माण बनता है। अचानक बड़े पैसे आना, लॉटरी शेयर सट्टा जुए से पैसे आना, ये दोनों के लिए, ये दोनों हाउस को देखा जाता है, एक सेकेंड हाउस और पंचम हाउस, ये दोनों के स्वामी अगर आपकी कुंडली के अंदर साथ में बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको बड़ा धन लाभ आज नहीं ना कल मिलने वाला है, कोई भी जरिए से आ सकता है वो पैसे। वैसे ही यहाँ मंगल और शनि का दृष्टि गोचर होने वाला है और मंगल की ताकत ज़्यादा अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि वक्री है, तो मंगल पंचम हाउस के स्वामी है। तो पंचम स्थान होता है सैर सट्टा, बड़े पैसे, विद्या का, प्रेम प्रसंग का, तो यहाँ ये सब चीज़ों में पॉजिटिव नोट आपको मिलेगी, अच्छे रिजल्ट मिलते हुएंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी आपकी, अच्छे जो एग्ज़ाम दिए उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, प्रेम प्रसंग बन सकते हैं आपके जीवन में। तो ये यहाँ मंगल का परिभ्रमण करीबन 1.5 महीना बैठने वाला है, तो इसकी जो दृष्टि है, लास्ट नज़र है, वो है आपके 4th हाउस के ऊपर, और वहाँ उनके मित्र की राशि है, गुरु की राशि है। ऑलरेडी गुरु यहाँ बैठ के मंगल को देख रहे हैं गोचर के, तो यहाँ शुभ फल मिलने वाला है ये भी, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा राजयोग बन रहे कुंडली के अंदर। एक तो मंगल बैठा हुआ है पंचमेश होके भाग्य स्थान में और खुद गुरु भी देख रहा है, और वो दोनों 4th और 5th हाउस के स्वामी हैं। 4th स्थान का स्वामी गुरु खुद पंचम स्थान के स्वामी मंगल को देख रहा है, और मंगल खुद देख रहा है शनि के जो धन स्थान के स्वामी है। एक ही मंगल ऐसे तीन, एक ही तीर ऐसा छूटा, जैसे अपने पूल खेलते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं, उसमें एक ही ऐसे बॉल को मारते हैं तो वो 4 जगह से वो होल में जाके गिरता है, 3 जगह से। वैसे ही
जो कैरम खेलते हो वैसे, वहाँ का भी हिसाब वैसे ही। वैसे यहाँ मंगल जैसे ही चेंज होंगे, आप देखना ऐसे बड़े चेंजेस आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ अभी 7:30 समाप्त हो गई है, सभी सिचुएशन आपकी फेवर में आ रही है। गुरु राहु से डिस्टेंस कली आगे निकल गया है डिग्री कली, तो सब शुभ फल यहाँ मिलने वाले हैं। और ये मंगल का जो परिभ्रमण है 30/6 से, ये आपके लिए बहुत 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 ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो थोड़ा डट के काम कीजिए, मंगल की उपासना कीजिए। भूमि पुत्र मंगल है, मंगलवार का व्रत रखिए, मंगलवार के दिन गरीबों का दान कीजिए, लाल कपड़ों का पहनिए, लाल कपड़ों का दान कीजिए बने उतना, और मूंगा धारण कीजिए ये उंगली के अंदर तर्ज में। तो यहाँ जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके लिए अति शुभ समाचार है ये परिभ्रमण। 1.5 महीने में आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।